नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जुलाई माह का मासिक राशिफल 2022। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे किस तरह से जुलाई का ये महीना आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, चुनौतियाँ भी ला रहा है, और इस महीने आप अपनी मेहनत, अपने भाग्य के बल पर क्या कुछ अचीव कर पाएंगे, आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह का बदलाव इस महीने आपको देखने को मिल सकता है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर क्या कुछ इस महीने है आप लोगों के लिए। चलिए आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को जानने के बारे में, यानी कि भाग्य के सितारे आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं, बताइए मैम जी। देखिए, कन्या राशि वालों की ग्रह स्थिति पर नजर डालें इस महीने, तो उनके पहले भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में केतु है जी, तीसरा, चौथा, पांचवा भाव खाली है, छठे भाव में शनि आपके हैं, लेकिन ये शनि जो है 12 जुलाई के बाद सीधा पंचम भाव में फिर से आ जाएंगे आपकी कुंडली में, और सातवें भाव में आपके बृहस्पति बहुत ही सुंदर स्थिति में है, आठवें भाव में मंगल और राहु का अंगारक दोष बन रहा है, नवम भाव में बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग है, दशम भाव में आपके सूर्य है और ग्यारहवें भाव में चंद्रमा है, बारहवा भाव खाली है। ये कुछ आपकी गृह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है इस महीने। अगर बात करें कन्या राशि वालों के लिए तो ये महीना काफी अच्छा रहेगा आपके काम कारोबार के दृष्टिकोण से। चलिए मैं जी, ये तो आपने इनके भाग्य के सितारों के बारे में बताया, इनके किस्मत के सितारे क्या कहते हैं, अगर बात करें हम इनकी हेल्थ को लेकर तो इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने से? देखिए, इस महीने इनका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा डावाडोल रह सकता है, क्योंकि इनके अष्टम भाव में आ गए राहु और वहाँ मंगल के साथ, तो इनको स्टमक डिसऑर्डर, स्टमक इन्फेक्शन से दो चार होना पड़ सकता है, और राहु यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। राहु जब अष्टम भाव में रहेंगे मेष राशि में, तो कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई परेशानी देकर चलते हैं, तो आपको अपनी सेहत को लेके इस महीने, खासकर क्योंकि मंगल भी साथ में है, तो सेहत को लेके विशेष ध्यान रखना जरूरी है, खान पान पर संयम बरतें। चलिए, ये तो बात हुई आपकी सेहत को लेकर, यानी कि हेल्थ को लेकर। बात कर लेते हैं अब स्टूडेंट्स को लेकर, उनके लिए ये महीना क्यों है सबसे ज़्यादा खास, और क्या इस, अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं तो क्या ये सही समय आपका बाहर जाने का, और मतलब एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है? देखिए, छात्रों के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, शिक्षा परीक्षा में बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, अभी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ समय के बाद आपको निश्चित रूप से विदेश जाने के योग बनेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो छात्रों के लिए समय जो है काफ़ी अच्छा है, बस आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, रिश्तों के मामले में ये महीना आपके लिए कितना खूबसूरत रहने वाला है, आइए जानते हैं। देखिए, रिश्तों के लिहाज से बात करें तो सप्तम भाव में बृहस्पति आपके वैवाहिक जीवन में चार चांद लगा रहे हैं, विवाह के योग भी बना रहे हैं और रिश्तों में मजबूती लाएंगे, लेकिन अष्टम भाव में मांगलिक दोष का निर्माण हो रहा है, इसके चलते कभी कभी जीवन साथी के साथ मनमुटाव थोड़ा संभव रहेगा जी, तो उस चीज को टालें, किसी भी तरह का वाद विवाद टालना आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए मैं जी, ये तो आपने के लव रिलेशनशिप्स के मामले के बारे में बताया कन्या राशि वाले जातकों को, अगर बात करें इनके वर्क फ्रंट की, प्रोफेशनल लाइफ इनके लिए कैसी रहने वाली है, बात करें मतलब किस तरह का इनका सब कुछ रहेगा, अगर आप जॉब में हैं और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ आपको कितनी सफलता के आपके योग वहाँ बन रहे हैं, किस तरह का परफॉर्म ये कर पाएंगे अपने प्रोफेशनल फ्रंट में? देखिए, कार्यक्षेत्र की बात करें तो ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, दशम भाव में सूर्य है तो काम कारोबार में अच्छी सफलता दे रहे हैं, चंद्रमा भी लाभ स्थान में है, चंद्रमा लाभ देंगे, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग आपके भाग्य स्थान में है और बृहस्पति सप्तम भाव में बैठे हैं, तो नौकरी व्यवसाय में बड़ी तरक्की होगी, प्रमोशन होगा और आपका काम कारोबार बहुत अच्छा चलेगा इस महीने। चलिए, तो अब तक हमने बात की आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी, अब बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल को जानने की। जी हाँ, इस महीने से आपका धन अर्जन कितना होने वाला है, फाइनेंशियली आप कितने स्ट्रांग होंगे और क्या आपका रुका हुआ धन भी वापस आएगा, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, कहीं अगर आप सोच रहे हैं तो क्या इस समय उस चीज़ के लिए सब ठीक है या नहीं? देखिए, अगर फाइनेंशियली बात करें तो ये महीना आपको लाभ देता हुआ नजर आ रहा है, आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत रहेगी, धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन अष्टम भाव में मंगल राहु की युति और दूसरे भाव में केतु, धन का निवेश करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, गलत जगह कहीं निवेश ना हो जाए, और धन लाभ तो आपको हो रहा है लेकिन लाभ कमाने के साथ साथ कहीं व्यर्थ में धन हानि ना हो जाए, तो सोच समझकर धन का निवेश करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके अलावा आर्थिक पक्ष जो है आपका बड़ा मजबूत रहेगा।
चलिए, मयंक जी ने आपके वेल्थ को लेकर बारे में भी आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाग्य यानी कि लक आप लोगों का कितना साथ देने वाला है इस पूरे महीने। देखिए, भाग्य आपका बड़ा ज़बरदस्त है इस महीने, क्योंकि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में ही बैठा है। तो मैं तो कहूँगा कि 90 से 95% तक आपका भाग्य पूरे माह साथ देगा। बहुत ही अच्छा महीना है, इसका लाभ उठाइए। चलिए, तो देखिए, अब तक हमने बात की आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, भाग्य भी जान लिया आप लोगों के बारे में। अब बारी आती है क्या इस महीने आपको करना चाहिए क्या नहीं, सलाह के तौर पर मैं जिसे जान लेती। देखिए, ऐसे एडवाइस मैं आपको सलाह दूंगा, एक तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सेहत को इग्नोर करके नहीं। सबसे पहले आप तंदुरुस्त हो जाइए, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल राहु जो है कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज देंगे। तो सेहत का विशेषकर ध्यान रखें, सबसे पहले तो आपको ये इसका ध्यान देना है। और व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए, ये इस महीने मेरी सलाह है कन्या राशि वालों को। उपाय क्या बताएंगे बहन जी आप इन लोगों को? उपाय आपके लिए बहुत ही सरल उपाय है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इस महीने। और गणेश जी की आराधना करें, ये दो पूजा करेंगे तो सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। चलिए, तो ये थे मेरे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि कन्या राशि वाले जातकों का भविष्य इस माह क्या कहता है, क्या कुछ है इस महीने आप लोगों के लिए करने के लिए। चलिए, इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Oh,